पूर्णिया के एक सभा में नीतीश द्वारा यह मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला कहे जाने पर राजद ने चुटकी ली है। नीतीश के इस बयान ने विरोधियों को टिप्पणी करने का एक और मौका दे दिया है और इस मौके को उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी यानी राजद छोड़ने वाला नहीं है। आज नीतीश कुमार के बयान पर राजद ने कटाक्ष किया और कहा कि वैसे भी नीतीश कुमार बिहार के मुद्दे से भागते फिरते हैं, साथ ही बिहार की बात करने वालों का तिरस्कार ही करते हैं और बिहार की राजनीतिक जमीन से उनको अपनी सत्ता जाने का संदेश भी मिल चुका है। मेरा तो सीधे कहना, बाद में उस बयान में स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन कोई भी नेता उसको अगर जमीन के से संदेश आ जाता है, पूरा चुनाव नौकरी पे था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पे था, संविदा कर्मियों की हालत पे था, समान काम समान वेतन के मुद्दे पे था, इन सारे मुद्दों से वो भागते रहे, बल्कि अगर कोई उठाता था तो उसका तिरस्कार की दृष्टि से उसको देखते थे। तो ज़मीन से सदा आई होगी, आवाज़ आई होगी और उसके संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा कहते रहते हैं, स्वी जी कब आप थक गए हैं, बिहार की मौजूदा आवाज़ उसके सरोकारों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। राजद बिहार के तीसरे चरण के मतदान से पहले ही अपनी जीत के लिए आश्वस्त है और पार्टी का मानना है कि बिहार की जनता ने एक अन्य मार्ग में बदलाव का संकेत पहले ही दे दिया है। चरण बाकी है और बिहार में इस चुनाव में चरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले चरण ने जो मिजाज तय कर दिया एक अन्य मार्ग में बदलाव का, वो दूसरे चरण में भी रहा और तीसरे चरण में भी। मैं कहता हूँ नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सधे तरीके से, तेजस्वी जी ने रोजगार, संविदा, समान काम समान वेतन, आशा, जीविका, रसोईया, उनके सरोकारों के अलावा सीमांचल विकास आयोग, कोसी विकास आयोग जैसी चीज़ें, ताकि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से जो वहाँ दिक्कतें हैं उसको दूर हो। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी भी माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिहार की आवाम ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए कहा कि इस बयान का कुछ अलग ही मतलब है। देखिए, उनके बयान को सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार का लंबे समय तक काम किया है, 15 वर्षों तक विकास किया है, बिहार के लिए काम किया है और उनकी इच्छा है कि जो भी बचे हुए काम हैं उसको निश्चित रूप से 5 वर्षों में पूरा कर लेंगे और उनकी इच्छा है कि हम आगे और दूसरे को मौका दें, ठीक है, लेकिन बिहार की जनता अभी भी चाहती है कि आदरणीय नीतीश कुमार आगे भी राजनीति करें और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहें। तो उनकी बात को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए लोगों को, इसमें कोई मैंने बहुत ज़्यादा दलील देने की ज़रूरत नहीं है। राजद के इस बयान से पता चलता है कि उसे अपनी जीत के लिए ओवर कॉन्फिडेंस है। हालांकि कल यानी 7 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होना है और यह चुनाव ही बिहार की दशा और दिशा को निर्धारित करेगी। लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे के साथ हीरा लाल की रिपोर्ट।